भैया और दिया नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं, प्याज आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। यह पंजाब का प्याज है जो मंडी में आज 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, और लोकल प्याज पंजाब के प्याज की तुलना में ज़्यादा थोड़ा महंगा है। और मंडी में आज लोकल प्याज का रेट वही है, 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। लोकल प्याज करसोग का भी सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है, करसोग से प्याज की आपूर्ति हुई है। कल कुम्हारटी का प्याज भी सोलन सब्जी मंडी में आया था जो हाथों हाथ बिक गया है, वो 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिका है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यह प्याज आज भी 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। लोकल प्याज के रेट में तेजी है और पंजाब का प्याज 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। और मंडी में आलू के रेट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, पहाड़ी आलू आज भी मंडी में 24 से 25 रुपये के बीच में भाव चला हुआ है। पंजाब का आलू सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है जो 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बिक रहा है। फ्रासबीन आप देख सकते हैं मंडी में आज क्रेटों में भी फ्रासबीन आई है और बोरियों में भी फ्रासबीन आ रही है, टॉप क्वालिटी की फ्रासबीन है। कल 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में फ्रासबीन बिकी थी, बड़ी मात्रा में फ्रासबीन की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त हो रही है। और आप तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं, मंडी में टमाटर के भाव में तो गिरावट है, किसान परेशान है। टमाटर मंडी में आज 200 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। और सचिन जी साथ जुड़े हैं, सचिन जी आज बताएंगे कि मंडी में प्याज किस भाव इस वक्त चला हुआ है। सचिन जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। प्याज के रेट देखें तो पहाड़ी प्याज की तुलना में महंगा है। हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ी प्याज चला हुआ 25 रुपये जी, और लोकल पंजाब के प्याज चला हुआ 24 रुपये। और आलू आपका है जी 24 रुपये पहाड़ी। और आलू सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पहाड़ी आलू सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। नगरोटा का आलू भी पहुंच रहा है, वो भी 24 रुपये है। और नगरोटा के अलावा आलू आ रहा है पंजाब का जो 21 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। तो सोलन सब्जी मंडी में फ्रासबीन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्रेट में फ्रासबीन पहुँची है, क्रेटों में फ्रासबीन आ रही है। और फ्रासबीन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया इस वक्त नज़र आ रही है। और फ्रासबीन के रेट अभी फाइनल नहीं हुए हैं क्योंकि रेट अभी थोड़ी देर में खुलेंगे जब यहाँ पर बोलियाँ लगेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से किसानों ने काफ़ी मेहनत की है, बोरियों में नहीं बल्कि क्रेट में फ्रासबीन लेकर आए हैं। और तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है, लोकल टमाटर के भाव में ज़्यादा तेज़ी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टमाटर वाले फ्रासबीन कहाँ की, लोकल है और 150 रुपये फ्रासबीन लोकल है, लोकल क्रेट में। और कंडाघाट से फ्रासबीन आई है लोकल और क्रेट में फ्रासबीन आई है। टमाटर लोकल 150 रुपये तक सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, इस तरह की स्थिति टमाटर की आ गई है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखें कि फ्रासबीन मंडी में इस वक्त क्रेट के माध्यम से रेट अभी खुला नहीं है, और लेकिन लग रहा है कि फ्रासबीन आज भी 50 रुपये से ऊपर ही फ्रासबीन के रेट बने रहेंगे। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी में आज प्याज लोकल भी पहुंचा है, लोकल प्याज कल भी था परसों भी था और लगातार आ रहा है। अब करसोग से भी आ रहा है, कुम्हारटी से भी आ रहा है, किसान प्याज लेकर आ रहे हैं। 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। नासिक का प्याज का रेट भी इसी तरह का चला हुआ है, और पंजाब से प्याज आया है और पंजाब का प्याज 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रहा है। आलू की बात करें तो 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। टमाटर 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी मंडी में बिक रहे हैं, इस तरह के रेट हैं। लोकल टमाटर की आपूर्ति मंडी में हो रही है, लेकिन किसान
परेशान है। 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर उनका बिक रहा है और उसमें किराया भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस तरह की स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में बनी हुई है। टमाटर इस वक्त मंदी की मार बहुत ज़्यादा झेल रहा है। बरसात में के दिनों में टमाटर के रेट जरूर कम थे लेकिन 300 रुपये के आसपास टमाटर की रेट बिक रही थी, लेकिन इस बार तो 150 और 200 रुपये के बीच में टमाटर मंडी में आज बिक रहा है और उसमें किराया भी किसानों का पूरा नहीं हो रहा है। खरीदार भी नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि टमाटर बड़ी मात्रा में ही समय से पहले मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुका है। भारी गर्मियों में टमाटर पककर तैयार हो रहा है, धूप तेज है जिसमें टमाटर पक रहा है और यही वजह है कि टमाटर के रेट में इस वक्त तेजी देखने को नहीं मिल रही है, मंदी है। हिंदू अंजरानी जी, राजीव कटोरिया जी, सतीश कुमार जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। मौसम की भी हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह का मौसम आज हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। धन्यवाद।